चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तथा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 से लेकर 414 ईस्वी तक गुप्त राजवंश का राजा था। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य और एवं विरोचित गुणों से संपन्न था। शकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह शकारी भी कहलाया। वह अपने वंश में बड़ा पराक्रमी शासक हुआ। मालवा, काठियावाड़, गुजरात और उज्जैनी को अपने साम्राज्य में मिलाकर उसने अपने पिता के राज्य का और भी विस्तार किया। चीनी यात्री फैयान उसके समय 6 वर्षों तक भारत में रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति आम्रकायु था। उसे देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, श्री विक्रम, विक्रमादित्य, परम भागवत, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, अजित विक्रम आदि उपाधि धारण किए थे। अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। इसी कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैन पुरवराधीश्वर भी कहा जाता है। उसकी एक राजधानी पाटलिपुत्र भी थी। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय को पाटलिपुत्र पुरवराधीश्वर भी कहा गया। दक्षिण भार में कुंतल एक प्रभावी राज्य था। श्रृंगार प्रकाश तथा कंतलेश्वरित्यम से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का कुंतल नरेश से मैत्रीपूर्ण संबंध था। कुंतल नरेश ककुत्स्थ वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त नरेश से कर दिया। इस वैवाहिक संबंध की पुष्टि क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा से भी होती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल भारत के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण समय माना जाता है। चीनी यात्री फयान उसके समय 6 वर्षों तक भारत में रहा। वह बड़ा उदार और न्यायपरायण सम्राट था। उसके समय में भारतीय संस्कृति का चतुर्दिक विकास हुआ। महाकवि कालिदास उसके दरबार की शोभा थी। वह स्वयं वैष्णव था पर अन्य धर्मों के प्रति भी आदर उदार भाव रखता था। गुप्त राजाओं के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका बहुत कुछ श्रेय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था को है। राजगद्दी पर आरूढ़ होने के बाद चंद्रगुप्त के सम्मुख दो कार्य मुख्य थे। पहला, रामगुप्त के समय में उत्पन्न हुई अव्यवस्था को दूर करना और दूसरा उन म्लेच्छ शकों का उन्मूलन करना जिन्होंने केवल गुप्तश्री के अपहरण का प्रयत्न किया था अपितु जिन्होंने कुलवधू की और भी दृष्टि उठाई थी। चंद्रगुप्त के सम्राट बनने पर शीघ्र ही साम्राज्य में अव्यवस्था कायम हो गई। वह अपने पिता का योग्य और अनुरूप पुत्र था। अपनी राजशक्ति को सुदृढ़ कर उसने शकों के विनाश के लिए युद्धों का प्रारंभ किया। विष्णु पुराण से विदित होता है कि संभवतः गुप्त काल से पूर्व अवंती पर भी अभीर इत्यादि शूद्रों या विजातियों का आधिपत्य था। ऐतिहासिक परंपरा से हमें यह विदित होता है कि प्रथम शती ईस्वीसन पूर्व में विक्रम संवत के संस्थापक किसी अज्ञात राजा ने शकों को हराकर उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अवंती को पुनः विजय किया और वहां से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका। कुछ विद्वानों के मत में 57 ईस्वी सन पूर्व में विक्रमादित्य नाम का कोई राजा नहीं था और चंद्रगुप्त द्वितीय ही अवंती विजय के पश्चात मालव संवत को 57 ईस्वी सन पूर्व में प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत का नाम दे दिया। शक विजय विदेशी शक्तियों की शक्ति के समय दो बड़े केंद्र थे। पहला काठियावाड़ और गुजरात के शक महाक्षत्रप,
दूसरा गांधार कंबोज के कुषाण, शक महाक्षत्रप संभवता शाहनुशाही कुषाण राजा के प्रांतीय शासक थे। यद्यपि साहित्य में कुषाण राजाओं को भी शक मुरुन शक स्वामी या शकों के स्वामी संज्ञा का कहा गया है। पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने काठियावाड़ गुजरात के शक महाक्षत्रपों के साथ युद्ध किया। उस समय महाक्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय इस शक राज्य का स्वामी था। चंद्रगुप्त के द्वारा वह परास्त हुआ और गुजरात काठियावाड़ के प्रदेश भी गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित हो गए। शकों की पराजय में वाकाटकों से भी बड़ी सहायता मिली। दक्षिणपथ में वाकाटकों का शक्तिशाली राज्य था। समुद्रगुप्त ने वहां के राजा रुद्रदेव या रुद्रसेन को परास्त किया था, पर अधीनस्थ के रूप में वाकाटक वंश की सत्ता वहां पर अब भी विद्यमान थी। वाकाटक राजा बड़े ही प्रतापी थे और उनकी अधीनस्थ में अनेक सामंत राज्य राज्य करते थे। वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय ने के साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कन्या प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय के साथ गुप्त वंश की राजकुमारी का विवाह हो जाने से गुप्त और वाकाटकों में मैत्री और घनिष्ठ स्थापित हो गई थी। इस विवाह के कुछ समय बाद ही 30 वर्ष की आयु में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र अभी छोटी आयु के थे, अतः राज्य शासन प्रभावती गुप्त ने अपने हाथों में ले लिया और वह वाकाटक राज्य की स्वामिनी बन गई। इस स्थिति में उसने 390 से 410 ईस्वी तक लगभग राज्य किया। अपने प्रतापी पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का पूरा सहाय और सहयोग प्रभावती को प्राप्त था। जब चंद्रगुप्त ने महाक्षत्रप शक स्वामी रुद्रसिंह पर आक्रमण किया तो वाकाटक उपाधियां गुजरात काठियावाड़ के शकों का उच्छेद कर उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कर लेना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसी कारण वह भी शकारी और विक्रमादित्य कहलाया। कई सदी पहले शकों का इसी प्रकार से उच्छेद कर सातवाहन सम्राट गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी एक बार फिर उसी गौरव को प्राप्त किया। गुजरात और काठियावाड़ की विजय के कारण अब गुप्त साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत हो गई थी। नए जीते हुए प्रदेशों पर भलीभांति शासन करने के लिए पाटलिपुत्र बहुत दूर पड़ता था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। साम्राज्य विस्तार। गुजरात काठियावाड़ शक महाक्षत्रपों के अतिरिक्त गांधार कंबोज के शक कुषाणों का भी चंद्रगुप्त ने संहार किया था। दिल्ली के समय महरौली में लोहे का एक विष्णु ध्वज यानी स्तंभ है, जिस पर चंद्र नाम के एक प्रतापी सम्राट का लेख उत्कीर्ण है। इतिहासों का मत है कि यह लेख गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। इस लेख में चंद्र की विजयों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसने सिंध के सप्तमुखों यानी प्राचीन देश की 7 नदियों को पार कर वाल्लिक यानी बल्ख देश तक युद्ध में विजय प्राप्त की थी। पंजाब की 7 नदियों यमुना, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु का प्रदेश प्राचीन समय में सप्त सिंधु कहता था। इसके परे के प्रदेश में उस समय शक पुरंदो या कुषाणों का राज्य विद्यमान था। संभवतः इन्हीं शक पुरंदो ने ध्रुव देवी पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया था। अब ध्रुव देवी और उनके पति चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रताप ने बल्ख तक इन शक मुरुंडों का उच्छेद कर दिया और गुप्त साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा को सुदर मंशु नदी तक पहुंचा दिया। बंगाल महरौली के इस स्तंभ लेख में यह कहा लिखा है कि बंगाल में प्रतिरोध करने के लिए इकट्ठे हुए अनेक राजाओं को भी चंद्रगुप्त ने परास्त किया था। संभव है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय काठियावाड़ गुजरात के शकों को परास्त करने में व्याप्त था, बंगाल के कुछ पुराने राजकुलों ने
उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसे बंगाल जाकर भी अपनी तलवार का प्रताप दिखाने की आवश्यकता हुई हो। दक्षिणी भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। दक्षिण भारत के जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया था वे अब भी अविकल रूप से चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे। शक महाक्षत्रपों और गंधार कंबोज के शक मुरंडों के परास्त हो जाने से गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अरब सागर तक और हिंदुकुश के पार अंशु नदी तक हो गया था। अश्वमेध चंद्रगुप्त की उपाधि केवल विक्रमादित्य ही नहीं थी, शिलालेखों में उसे सिंह विक्रम, सिंहचंद्र, साहसांक, विक्रमांक, देवराज आदि अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया है। उसके भी अनेक प्रकार के सिक्के मिलते हैं। शक महाक्षत्रपों को जीतने के बाद उसने अनेक प्रदेशों में जो सिक्के चलाए थे वे पुराने शक सिक्कों के नमूने के थे। उत्तर पश्चिमी भारत में उसके जो बहुत से सिक्के मिलते हैं वे कुषाण नमूने के हैं। चंद्रगुप्त की वीरता उसके सिक्कों द्वारा प्रकट होती है। सिक्कों पर उसे भी सिंह के साथ लड़ता हुआ प्रदर्शित किया गया है और साथ में यह वाक्य दिया गया है, क्षितिम वज्जित सुचरिते दिव्य जयति विक्रमादित्य। पृथ्वी का विजय प्राप्त कर विक्रमादित्य अपने सुकार्य में स्वर्ग को जीत रहा है। अपने पिता के समान चंद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया।